जैसा कि हम आपको बता दें कि रामनगर पंचायत के करहरी गांव में आए हुए हैं सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनसे एक इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका चैनल पे, मैं अपने लाइव न्यूज पे स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे गाँव में लाए आए हैं। बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया है आपका जो आप हमारे गाँव में तशरीफ लाएँ, और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है हम आपको देख के, आपके चैनल को देख के। जनता को हम फिर से बता दें कि वार्ड नंबर 2 से सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि कैंडिडेट का नाम और उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह क्या है। हमारे कैंडिडेट का नाम है जूही खातून और हमारा जो चुनाव चिन्ह है नल छाप। अच्छा सर, आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता का किस प्रकार आपकी तरफ वोटर रुझान है? देखिए, हम पहले भी जो है सो हमारे भाई जो है सो वो लड़े थे विधायक वाले में निर्दलीय उम्मीदवार से, उसके बाद में जो है सो किसी कारण से मतलब हार गए, खैर। और मुखिया वाले में भी अगली 5 वर्षीय लड़े थे तो हमारा समाज बोला कि आप जो है सो इसमें जो है सो समर्थन बैठ जाइए, बैठने के बाद में जो है सो आप अगले 5 वर्षीय में खड़े होइएगा और जो चीज़ में आप खड़े होगा उसमें हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो हम लोग जो अभी सरपंच में जो खड़े हुए हैं तो पूरा गांव समाज जो है सो मिल के ही हमारे बोला कि आप इसमें खड़े होइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो इस बार आपकी समाज बोल रहे हैं कि आप सरपंच पद के लिए खड़े हुए, निर्दलीय विधायक लड़ चुके हैं, मुखिया में भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब समाज बोल रहे हैं इन्हें कि सरपंच पद के लिए आप कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए, जिससे तो कितना कैंडिडेट खड़ा है आपके गांव से सरपंच में? हमारे गांव में सरपंच में 3 कैंडिडेट हैं। ओके सर, तो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन कैंडिडेट आपके कम्पिटिटिव में लग रहा है? देखिए, हमारा तो कोई विपक्षी है नहीं, ठीक है ना, ना हम किसी को विपक्षी मानते हैं। हमारा भाई जो सब है, सब लड़े, सब अल्लाह ताला सबको जो है सो रोजी दे, सब जीते। हाँ, जिसके नसीब में होगा वो निकलेगा, बाकी जिसको समाज चाहेगी वही निकलेगा। ऐसा मान लीजिए कि आप सरपंच पद में जीत गए जी, तो किस प्रकार कानून व्यवस्था चलाएंगे जो गांव से एक भी केस थाना तक न जाए, सामाजिक स्तर पे आप उसे सुलझा दें? हमारे जितना भी जो भी गांव में झगड़ा हो, लड़ाई हो, केस हो, फौजदारी हो, कुछ भी हो, हम कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है ना। हम जहाँ तक चाहेंगे कि झगड़ा होने से पहले वहाँ पे पहुँचे और उनको जो समझा बुझा के उनको निपटा दे, ना कोई पंचायती का नौबत आना चाहिए, ना किसी को जो है सो किसी से टेंशन होना चाहिए। सब हम आपस में ये चाहेंगे कि हमारे पंचायत में सब भाई मिल के रहें। अच्छा, रामनगर की जनता और ख़ास करके करहरी की जनता को आप काम करने का कितना गारंटी दे रहे हैं कि आप जीत गए तो कितना परसेंट काम करेंगे? देखिए, हमारा जो च्वाइस है कि मतलब हम यह चाहते हैं कि पहले भी हम न किसी चीज़ में जीते हैं, उसके बावजूद भी जनता का जहां तक हमारे से हो सका है, हमारे भाई लोग समीम भाई से वहां तक उनका हेल्प किया गया है। शादी हो, ब्याह हो, किसी का हौत मौत हो, किसी का जो कुछ भी हो, हर जगह हर टाइम मतलब वहाँ पर हम लोग खड़े रहते हैं, समझे ना। किसी को हमारे से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस कारण से वहाँ पे जाके हम लोग खड़े रहते हैं और उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है, हमको हमारे कान तक पहुँचता है तो इंशाल्लाह हमसे जहाँ तक होता है हम वहाँ तक पूरा किए हैं, और इंशाल्लाह अगर जीत जाएंगे तो जीत जान और लगा देंगे कि चलो मेरी जनता कैसे भी खुश रहे हमारे से। तो आपका ये कहना है कि हम जब प्रत्याशी न भी थे तो भी सामाजिक कार्य कर रहे थे, तो इस बार हम प्रत्याशी के रूप में आए हैं, ठीक है। तो सर, एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जीत गए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे, जैसे कानून व्यवस्था में, या टीचर लोग की मीटिंग करवाएंगे, बच्चे को सही तरह से पढ़ा रहा, या स्कूल नहीं है तो उसके लिए सरकारी ज़मीन का मुहैया कराएंगे, तो ये सब काम में से कौन सा सबसे पहला काम आपको लगता है कि हमको कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षित होना ज़रूरी है, शिक्षित। हाँ, उसके लिए जो है सो अगर हमारे गाँव में स्कूल है भी, अगर उसमें कोई स्कूल में कोई कमी बेसी होता है तो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि उसका जो सो ज़्यादा से ज़्यादा पहले सुधार करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो बच्चे लोग को जो सो तालीम हासिल हो और बच्चा लोग खुश रहे। लास्ट में एक बार और पूछना चाहते हैं कि हिंदू फैमिली का, हिंदू समाज का 2 सबसे बड़ी उनकी पर्व रहती है जी, अपने इधर छठ पूजा और दीपावली,
तो छठ पूजा आने वाला है, तो आप हिंदू समाज को क्या बधाई देंगे? धन्यवाद है उनके उनके पर्व का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उनका जो धन्यवाद है, उनको हम सही दिल से जो है सो दुआएं देते हैं, बहुत अच्छे से उनका त्यौहार बीते, जहाँ तक हो सकेगा हम भी आएंगे उनके त्यौहार में हिस्सा लेंगे, हाँ रहेंगे, जो चीज़ की अगर कमी बेसी होगी तो हम अपनी तरफ से जो होगा हम करेंगे। एक बार फिर से आप अपनी जनता को आप कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह बता दें। वार्ड नंबर 2 से सरपंच के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो आप अपने कैंडिडेट का नाम और उनका चुनाव चिन्ह बता दें। कैंडिडेट का नाम है जूही खातून और चुनाव चिन्ह है नलका छाप। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कैमरे के पीछे है सज्जू खान, मैं फरहान खान, आपका लाइव न्यूज में स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।